आज हम सीखेंगे ए एन द या दी का प्रयोग। इंग्लिश सेंटेंस में आपने अक्सर देखा होगा दिस इज अ बुक, इसमें ए बुक आया है। इसी को हम कहाँ पर ए लगाना है, कहाँ पर एन होगा, कहाँ पर द का प्रयोग होगा, इसको ही आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। इंग्लिश सेंटेंस दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। थर्ड सेंटेंस है आपका माउंट एवरेस्ट इज इन द हिमालयास। इन इंग्लिश सेंटेंस में ए एन द का यूज हुआ है, इनको ही क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। ए एन द को क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। जो हमने रेड मार्क कर रखे हैं वो क्या है, आर्टिकल, उनका ही सेंटेंस में यूज हुआ है। आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल की टाइप कितने हुए, इनडेफिनेट और डेफिनेट। इसको इनडेफिनेट में कौन कौन से आएंगे, ए और एन, और डेफिनेट में द। अब हम पढ़ेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट का मीनिंग ही ये होता है अनिश्चित। इनडेफिनेट का मीनिंग ही होता है अनिश्चित। ए और ए, ए और एन का प्रयोग तब किया जाता है जब इस व्यक्ति स्थान वस्तु क्या हो, अनिश्चित, जिसके बारे में हम पहले से जानकारी ना हो। आइए हम इसको पूरा समझते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से हुए, ए और एन। मुख्यतः ए और एन का प्रयोग किसी ऐसे व्यक्ति स्थान वस्तु के साथ होता है जिसके बारे में पहले से जानकारी न होना, जिसके बारे में हमको पहले से जानकारी ना हो वहाँ पर हम ए एन लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, वह लड़का, अब हम उसका नाम नहीं जानते हैं, एक लड़का बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ए बॉय, ठीक है, ऐसा ही एग्जाम्पल, ठीक है। मुख्यतः ए एन का प्रयोग किसी ऐसे व्यक्ति स्थान वस्तु के साथ होता है जिसके बारे में पहले से जानकारी न हो। डेफिनेट आर्टिकल मुख्यतः का द का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति स्थान या वस्तु के साथ होता है जिसके बारे में पहले से ही जानकारी हो। द का प्रयोग कहाँ होता है, किसी विशेष व्यक्ति स्थान या वस्तु के साथ होता है जिसके बारे में पहले से ही जानकारी हो। वह मेरी फ्रेंड है, ये वो मेरी फ्रेंड है तो मैं उसके बारे में पहले से ही जानती, तो वहाँ पे काय का यूज़ होगा, द का यूज़ होगा। या मैं उस लड़की को पहले से ही जानती हूँ, वहाँ पर भी द का प्रयोग होगा। ठीक है, आपको समझ में आया कहाँ डेफिनेट लगेगा, कहाँ इनडेफिनेट, द कौन सा आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है। ए एन द, आज हम इन्हीं का प्रयोग कैसे करना है सीखेंगे। आपने ये पढ़ा कि ए एन द आर्टिकल है, ए और ए इनडेफिनेट आर्टिकल है, और द डेफिनेट आर्टिकल है। इस अभी तक आपने ये सीखा, आज हम इन्हीं का प्रयोग करना सीखेंगे कि ए एन द का इंग्लिश सेंटेंस में इसका प्रयोग कैसे होता है, हम इसी को कैसे सीखें। आता है कि ठीक है, बोलने के साउंड पर ध्यान देना चाहिए। आपने पढ़ा होगा कि
आपने पढ़ा होगा कि जहाँ पर वो कॉन्सनेंट है वहाँ पर ए का प्रयोग होता है, जहाँ पर स्वर हो वहाँ पर एन का प्रयोग होता है, पर ये जानना गलत है। साउंड पर ध्यान देना चाहिए, बोलने के साउंड पर ध्यान देना चाहिए कि कहाँ पे ए आ रहा है, कहाँ पे ओ आ रहा है, कहाँ पे क आ रहा है, कहाँ पे ख आ रहा है। इसी से ही आपका प्रयोग ए एंड का प्रयोग सही होगा, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक से ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान देने पर ही आपको ए और एन का प्रयोग आएगा, नहीं तो आप गलत कर डालोगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, स्वर की ध्वनि वोवेल साउंड अ आ ई ई उ उ ए ओ ओ अन आह, ये क्या है स्वर। जब भी अ आ ई ई उ उ की पहला अक्षर हमारा अ आ ई ई उ उ ए ओ ओ अन आह से शुरू हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे, स्वर की ध्वनि है। और व्यंजन की यानी कंसोनेंट साउंड कौन सा हुआ, क ख ग छ त्र ज्ञ। ठीक है, ये पूरे होते हैं क से लेके ज्ञानी तक। ठीक है, ये क्या होते हैं, कंसोनेंट होते हैं। एन एन का प्रयोग उन शब्दों से पहले होगा जिनका उच्चारण स्वर ध्वनि से शुरू होता है। स्वर ध्वनि कौन कौन सी, अ आ ई ई ऊ ऊ ए ओ औ अन अह। इंग्लिश में देखिए ए ई आई ओ यू, आपको सभी को पता होगा कि इंग्लिश में पांच टाइप के स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब देखिए एग्जाम्पल ईयर, ईयर यहाँ ई, यहाँ पे पहला अक्षर क्या, ईयर, पढ़ते क्या हम इसको, ईयर ईयर ईयर, यहाँ पे साउंड क्या निकल रहा है, ई का निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। स्वर के साथ क्या लगता है, एन लगता है। आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए ध्यान से देखिए कि जहाँ पर स्वर होगा वहाँ पर एन का प्रयोग होगा। अक्सर यही गलती होती है, बड़ी बड़ी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में भी यही गलती होती है कि हम जहाँ पर व्यंजन था हम वहाँ पर स्वर एन लगा के आ गए। ठीक है, यही बहुत ध्यान से सुनना है आपको। ईयर, ईयर क्या है, ई सबसे पहला है क्या, ईयर, इसका पहला अक्षर क्या है, ई, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग होगा, जिससे एन ईयर एन ईयर। एन का यूज, अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए ऑनेस्ट, यहाँ पे एच साइलेंट है, एच ओ एन ई एस टी में क्या है, एच साइलेंट है, हम इसको ऑनेस्ट पढ़ेंगे, ऑनेस्ट। तो यहाँ पे ओ पहले आ रहा है, क्या पहला वर्ड आ रहा है, ओ, ओ क्या है, स्वर है, स्वर के साथ क्या लगता है, एन, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एन ऑनेस्ट एन ऑनेस्ट। एम एल ए, एम, अब देखिएगा ध्यान से, एम पहला अक्षर क्या है हमारा, ए, पहला अक्षर क्या है, ए, यहाँ पे क्या लगेगा, स्वर, स्वर में क्या लगता है, एन एन एम एल ए, म समझ के ए मत लगा देना, एम एल ए, यहाँ पे क्या लगेगा, एन। ऑरेंज, यहाँ पे हमारा ओ सबसे पहले क्या आ रहा है, ओ, ओ क्या है, स्वर, स्वर में क्या लगता है, एन एन ऑरेंज। ध्यान से इसको देखिए, सब में क्या लगा, एन ऑनेस्ट एन एम एल ए एन ऑरेंज। ए का प्रयोग, अभी हमने एन का प्रयोग पढ़ा, अब हम सीखेंगे
ए का प्रयोग। ए का प्रयोग उन शब्दों से पहले होता है जिसका उच्चारण व्यंजन ध्वनि कंसोनेंट साउंड से शुरू हो। कंसोनेंट साउंड कौन से हुए? क, ख, ग, छ, त्र, ज्ञ तक, ठीक है, क से लेके ज्ञानी तक, ये आपके कंसोनेंट साउंड हुए व्यंजन ध्वनि, वहाँ पर ए का प्रयोग किया जाता है। ए का प्रयोग उन शब्दों से पहले होता है जिनका उच्चारण व्यंजन ध्वनि से शुरू होता है, जैसे बॉय, यहाँ पे ब की ध्वनि निकल रही है, कौन सी निकल रही है? ब की ध्वनि, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे? ए, क्या लगाएंगे? ए, अ बॉय, अ बॉय या ए बॉय। ए का प्रयोग उन शब्दों से पहले होता है जिनका उच्चारण कंसोनेंट साउंड से शुरू होता है, यानी हम प्रनाउंस करते हैं जिससे, वहीं से आपको ध्यान देना है। बॉय, ब की ध्वनि निकल रही है ना, बॉय, यहाँ पे ए लगा। आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे ए लगेगा, कहाँ पे एन लगेगा। आइए आगे चलते हैं। ए का यूज और देख लीजिए, ईयर, ईयर, यहाँ पे य की ध्वनि निकल रही है, यहाँ पे क्या लगेगा? ए लगेगा। अ ईयर। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में य, यहाँ पे क्या है? ए लगेगा, व्यंजन है तो क्या लगेगा? ए लगेगा। ए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ए ईयर, ए यूनिवर्सिटी। आया आपको समझ में ए का प्रयोग और एन का प्रयोग? ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी एक वचन गणितीय संख्याओं के पहले होता है, यानी एक हो, जैसे एक, एक लड़का, ए बॉय, एक लड़की, ए गर्ल, एक बुक है आपके पास तो ए बुक, ऐसे काउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर का प्रयोग, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। अ बॉय, अ गर्ल, अ बुक, जैसे दिस इज अ बुक, यहाँ पे एक बुक का हो रहा है कि यह मेरी एक बुक है ना, तो ए बुक, ए बॉय, ए गर्ल के लिए ए एन का प्रयोग होगा। ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन एक वचनी गणितीय संज्ञाओं से पहले होता है, और ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है ये आपको बताया गया है। प्लूरल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन से पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। प्लूरल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। कहाँ पर नहीं करना है आपको ए एन का प्रयोग? प्लूरल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ए हाउसेस, यहाँ पे ए का प्रयोग करना गलत है। ए वाटर, इसके साथ भी ए का प्रयोग करना गलत है। ए राम, यहाँ पे भी ए का प्रयोग करना गलत होगा। अब आते हैं हम द, ए एन का प्रयोग हमने अच्छे से सीखा, ठीक है, अब हम आते हैं द। द क्या है? डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। देयर इज अ बॉय, द बॉय इज वियरिंग रेड हैट। द का प्रयोग वैसे नाउन के पहले होगा जो खास निश्चित पूर्व परिचित हो जिससे वक्ता तथा श्रोता पहले से जानते हो। द का प्रयोग कहाँ होता है? हमने आपको बताया था कि निश्चित या आप पहले से उसको जानते हो, वो आपका परिचित है, वहाँ पे द का प्रयोग होगा। आपको ये जानना जरूरी है कि ए एन द का प्रयोग कहाँ होता है और कहाँ पर नहीं होता है, तभी आप सही सेंटेंस इंग्लिश के बना पाओगे, नहीं तो गलत बनाओगे, ठीक है। द का प्रयोग
नाउन के पहले होगा जो खास निश्चित पूर्व परिचित हो जिसे वक्ता या श्रोता पहले से जानते हो। द का अर्थ द डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट मतलब निश्चित, आप पहले से परिचित हो, अर्थ ही होता है। द को हम द और दी दोनों से प्रनाउंस किया जाता है। अब आप सोचेंगे कि हमको कब द बोलेंगे कब दी बोलेंगे, तो आपको बिल्कुल इस वीडियो में समझाया जाएगा। द को हम द और दी दोनों से प्रनाउंस यानी बोलते हैं। आइए हम इनमें डिफरेंस देखते हैं, कहाँ पर हम द बोलेंगे कहाँ पर दी बोलेंगे। ध्यान से सुनिए और देखिए। व्यंजनों की ध्वनि कंसोनेंट साउंड क ख ग छ त्र ज्ञ, क से लेके ज्ञानी तक कंसोनेंट है, वहाँ से शुरुआत हो, क से शुरुआत हो, ख से शुरुआत हो, ग से शुरुआत हो रही हो, तो वहाँ पर द लगेगा। जैसे एग्जाम्पल द बॉय। अब यहाँ पे बॉय देखिए, लड़का है बॉय, उसको हम क्या पढ़ते हैं बॉय। ब ब का साउंड निकल रहा फर्स्ट लेटर ब, तो वहाँ पे द का प्रयोग होगा। सिंपल सी बात है, क से लेके ज्ञाने तक जितने भी अक्षर हैं उसका हमको हमको ये देखना है। बॉय गर्ल, गर्ल में ग आ रहा है, बॉय में ब आ रहा है, तो ये सब क्या है व्यंजन की ध्वनि निकल रही है। व्यंजन दिखे तो वहाँ पे आप क्या बोलोगे द बॉय, दी बोलना गलत होगा, दी बॉय बोलना क्या होगा गलत होगा, हम क्या पढ़ेंगे द बॉय। आपको समझ में आ गया होगा कि द कब पढ़ेंगे, जब कंसोनेंट साउंड से शुरुआत हो वहाँ पे हम द पढ़ेंगे द बॉय। दी, दी कब पढ़ेंगे आइए देखते हैं। स्वर की ध्वनि वोवेल साउंड अ आ ई ई उ ऊ ए ए ओ ओ अन आ से शुरुआत हो वहाँ दी पढ़ेंगे। जैसे हमने देखा होगा पिक्चर के एंड में क्या लिखा होता दी एंड, द एंड पढ़ना गलत होगा, क्या पढ़ना होगा दी एंड। एंड देखिए, एंड एंड क्या हुआ, ए क्या है स्वर की ध्वनि है, तो हम क्या पढ़ेंगे दी पढ़ेंगे, दी एंड, दी एंड। स्वर की ध्वनि जब भी हो वहाँ पर हम दी पढ़ेंगे, दी एंड। आपको द और दी में अंतर समझ में आ गया होगा। द और दी में, द में क्या होगा आपको व्यंजन देखना है और स्वर कब देखना है दी, स्वर देखे तब दी लगाए। अब द का यूज़ कहाँ पर होता है, अब द का यूज़ आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ होता है, आपको ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे द का प्रयोग होता है। जैसे जैसे आप सेंटेंस या इंग्लिश पढ़ते जाएंगे या सीखते जाएंगे तो आपको पता लग जाता है कि कहाँ पे द का प्रयोग होगा, ठीक है, कहाँ पर नहीं लगाना है द, पर आपको कुछ कुछ बातें याद रखनी पड़ती हैं। जैसे यूनिक लोगों या वस्तुओं के साथ जो एक ही है, जैसे सन हमारा एक ही है, अर्थ हमारी पृथ्वी एक ही है, मून चंद्रमा एक ही है, प्रेसिडेंट हमारा एक ही होता है, तो ये जो यूनिक है वहाँ पर द का प्रयोग होगा, ठीक है, द का प्रयोग होगा। द का यूज़ कहाँ पर होता है फर्स्ट देखिए, यूनिक लोगों या वस्तुओं के साथ जो एक ही है वहाँ पर द का प्रयोग होता है, जैसे द सन द मून। फर्स्ट सीखिए हमारा, जो यूनिक लोग या वस्तु है उसके साथ द का प्रयोग होता है, जैसे द सन द मून। फर्स्ट याद हुआ आपको कहाँ द लगेगा, जैसे सन अर्थ मून प्रेसिडेंट जो एक ही है, यूनिक है पूरी दुनिया में या वर्ल्ड में, वहाँ पर द लगेगा। दूसरा देखिए, जो विशेषण पूरे एक ग्रुप या जाति का बोध कराए वहाँ पर द का प्रयोग होता है, जैसे द ओल्ड।
पूरे द ओल्ड द यंग, पूरी यंग जाति का बोध हो रहा है यहाँ पे द यंग, पूरे बूढ़े लोगों की बात हो रही थी वहाँ पे द ओल्ड। जो विशेषण पूरे एक ग्रुप या जाति का बोध कराए वहाँ पर द का यूज होता है, एग्जाम्पल द ओल्ड द यंग। अब तीसरा देखिए, प्रसिद्ध भवन संग्रहालयों स्मारकों के साथ द का प्रयोग होता है, एग्जाम्पल द ताजमहल द लाल किला। प्रसिद्ध भवन संग्रहालय स्मारक, ये याद रखिए, प्रसिद्ध भवन की बात करेंगे, संग्रहालय की बात करेंगे या स्मारक की बात करेंगे हम सेंटेंस में, तो द का यूज़ ज़रूर होगा, द ताजमहल द लाल किला। किसी विशेष की सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री कौन कौन सी हुई, हाईगेस्ट मोस्ट लोवेस्ट। किसी विशेष की सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग किया जाता है, द हाईगेस्ट द लोवेस्ट। पांचवा है आपका क्रमवाचक संख्याओं से पहले, जैसे हम बोलते हैं ना लास्ट चैप्टर फर्स्ट चैप्टर, इसके साथ सेंटेंस बनाने में द लास्ट चैप्टर द फर्स्ट चैप्टर आएगा, द लास्ट चैप्टर द फर्स्ट चैप्टर, आपको ये याद रखना चाहिए। आपका छठा है देशों के नाम में किंगडम स्टेटस या रिपब्लिक आए। जब भी देश के नाम में किंगडम स्टेटस रिपब्लिक आए वहाँ पर द का प्रयोग होता है, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक, द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक। सातवां है आपका नदी नहर व सागरों के नाम के साथ द का प्रयोग किया जाता है, नदी नहर व सागरों के नाम के साथ द का प्रयोग किया जाता है, एग्जाम्पल द गंगा द नील। आठवां है देशों के नाम जिनके नाम बहुवचन हो यानी अंत में एस लगा हो, जैसे द नेदरलैंड्स, यहाँ पे एस बहुवचन, एस लगा यानी बहुवचन, उन नामों के साथ भी द का प्रयोग होता है। नौ, परिवारों के नाम के साथ द रानास द खान्स द गुप्तास, यहाँ पे सबके साथ द का प्रयोग होगा, परिवारों के नाम के साथ क्या लगेगा, द लगेगा। दसवां है द का प्रयोग ओनली से पहले केवल तब किया जाता है जब वाक्य में ओनली का मतलब एकलौता हो, जब एक लौते की बात की हो वहाँ पे भी द का प्रयोग होता है, जैसे द सन द ओनली फ्रेंड, द सन द ओनली फ्रेंड। द का प्रयोग ग्यारहवा, द का प्रयोग होल से पहले किया जाता है, आई एम रीडिंग द होल बुक, होल से पहले द का प्रयोग किया जाता है। ओल के बाद क्या है, द का प्रयोग किया जाता है, जब भी हम ओल वर्ड देखें तो उसके आगे उसके बाद द का प्रयोग करना चाहिए। All the books are kept on the table. All the books are kept on the table. द का प्रयोग कहाँ पर नहीं होता है, आपको आपने देखा अभी तक कि द का प्रयोग कहाँ पर करना चाहिए, अब हम बता रहे हैं कि द का प्रयोग कहाँ पर नहीं होता है। द का प्रयोग सामान्य अर्थ में प्रॉपर नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता है। दूसरा आपको याद रखना पड़ेगा, बीमारी देश भाषा ब्रेकफास्ट लंच डिनर से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है।
बीमारी, देश, भाषा, बीमारी कोई सी बीमारी हो, देश इंडिया, इसके साथ भाषा हिंदी इंग्लिश, ब्रेकफास्ट लंच डिनर से पहले द का प्रयोग करना गलत है, द इंडिया कहना गलत है, द हिंदी कहना गलत है, द ब्रेकफास्ट कहना गलत है, द लंच कहना गलत है, द डिनर कहना गलत है। द का प्रयोग सामान्य अर्थ में प्रोपर नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता है। बीमारी, देश, भाषा, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक्सरसाइज, आपको प्रैक्टिस के लिए 4 सेंटेंस दिए गए हैं। आप ये सोच के बताइए कि कहाँ पर ए एन द का प्रयोग होगा और यहाँ कहाँ पर ए एन द का प्रयोग होगा ही नहीं। आप ये इसके आंसर अगली स्लाइड पर देख सकते हैं, पर अभी थोड़ी देर के लिए इसमें सोचिए कि क्या आएगा। ठीक है, आपने सोच लिया होगा। देखिए, आई एम एट होम, आई एम एट डैश होम। अब यहाँ पे क्या लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा या द लगेगा या नो आर्टिकल लगेंगे, आपको ये सोचना है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है, यू आर डैश ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट बॉय। तीसरा हमारा सेंटेंस है, ही इज़ डैश ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ टुडे। हमारा चौथा सेंटेंस है, दिस इज डैश बुक। आगे स्लाइड पर इसके आंसर देखते हैं। पहले नो आर्टिकल आएगा। देखिए पूरा सेंटेंस हमारा क्या था, आई एम एट होम, ये सही सेंटेंस है। आई एम एट होम, इसमें कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। हमारा दूसरा था सेंटेंस, यू आर ऑनेस्ट बॉय, यहाँ पर यू आर एन ऑनेस्ट बॉय आएगा, ओ आ रहा है, ऑनेस्ट आ रहा है, वहाँ पर एन का प्रयोग होगा। ही इज़ द ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ टुडे, ग्रेटेस्ट आया है, सुपरलेटिव डिग्री आई है, यहाँ पर द का प्रयोग होगा। चौथा है हमारा, दिस इज़ बुक था, तो यहाँ पर दिस इज़ अ बुक आएगा, हमारी मतलब ए बुक, एक बुक की बात कर रहे, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ए बुक, ब आया है तो यहाँ पे ए लगेगा, ए बुक। प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।